हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रताप गर्ल्स स्कूल सापला रोड खरखुदा, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। कर दोस्तों, जैसा कि खरखुदा एरिया की तब भी बात करते हैं तो डेवलपमेंट अपने आप ही आजकल नज़र में आ जाता है। और अब हम बात करेंगे रेलवे ऑर्बिट कॉरिडोर की, कि उसके मुआवजे का क्या चल रहा है, कितना मुआवजा आया था, कितना बढ़ चुका है, कितने किसानों ने मुआवजा नहीं दिया। इसमें कुल जो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत के कुल 18 गांव इसमें शामिल हैं जिनकी ज़मीन सरकार ने रेलवे कॉरिडोर के तहत एक्वायर की थी, और एक्वायरमेंट का कुल मुआवजा 158 करोड़ रुपए बनता था, जिसमें से 18 करोड़ रुपए अभी पेंडिंग है। अभी 18 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाने हैं जो अभी नहीं जा रहे, जिनमें से 6.5 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं कि वो ज़मीन ही डिस्प्यूट है छोटा मोटा, जैसे कुछ दौड़ी की ज़मीन में है, कुछ वैसे डिस्प्यूट में चली गई, कुछ विरासत इंतकाल के चक्कर में है, इस तरह की ज़मीन है। और 2 करोड़ रुपए के चेक उसमें से 18 में से अभी जारी कर दिए हैं किसानों के, जिनके कागज पूरे हो गए थे। तो अब बचा मुआवजा, जो पेंडिंग मुआवजा है वो 10 करोड़ रुपए का मुआवजा बच गया है। उसमें से कुछ किसान ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनके बच्चों को वो पैसा जाएगा। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, दस्तावेज तैयार कराने पड़ेंगे। तो ये है कुल मिलाकर के डिपार्टमेंट के मुताबिक, DRO डिपार्टमेंट के मुताबिक 90% मुआवजा किसान ले चुके हैं यहाँ का। और अब बात करें कि किस गांव का कितना मुआवजा आया था, कितना बचता है अभी, तो बात करेंगे किडोली गांव से। किडोली गांव का जो मुआवजा आया था 5,70,87,301 रुपये मुआवजा आया था, अब जो बचा हुआ है 4,30,339 रुपये बचा हुआ है। पाई गांव की बात करें तो 11,51,78,614 रुपये आए थे, बचे हैं 1,12,63,768 रुपये। पहलादपुर में 3,39,10,724 रुपये कुल मुआवजा बना था, बचा है जो 7,23,353 रुपये। बरोना गांव में 1,35,94,128 रुपये मुआवजा आया था, बचा है जो 57,33,454 रुपये। गोपालपुर की ज़मीन, गोपालपुर का कोई मुआवजा नहीं बचा, बराबर है उनका, 0 मुआवजा है। पीपली की बात करें तो 17,23,67,418 रुपये मुआवजा बनता था टोटल, 6,97,222 रुपये बचा हुआ है किसानों को जो देना है अभी। थाना कला में 11,20,61,969 रुपये कुल मुआवजा था, 3,36,87,189 रुपये बचता है अभी भी किसानों का। तुर्कपुर की बात करें तो 9,26,08,398 रुपये कुल मुआवजा था, 32,42,493 रुपये मुआवजा अभी बचा हुआ है। मंडोरी गांव में 5,81,36,914 रुपये मुआवजा बनता है टोटल, और जो बचा हुआ है 39,49,601 रुपये बचा हुआ है। मंडोरा की अगर बात करें तो 30,84,57,273 रुपये, सबसे ज़्यादा लगभग मुआवजा है इनका मंडोरा का, और इनका बचा हुआ है 5,07,24,000 रुपये। नाहरा गांव की बात करें तो 7,71,63,239 रुपये कुल मुआवजा था, 22,94,781 रुपये अभी बचा हुआ है। मल्ला माजरा गांव की अगर बात करें तो 15,39,64,99 रुपये मुआवजा कुल बनता था, 3,31,92,659 रुपये अभी भी बचा हुआ है किसानों को देना है। छतेरा बहादुरपुर की बात करें तो 9,06,01,435 रुपये मुआवजा कुल बनता था, 68,33,356 रुपये अभी भी पेंडिंग है। अकबरपुर बारोटा की बात करें तो 26,59,84,819 रुपये इनका टोटल मुआवजा था, अब इनका जो बचा हुआ है 2,00,00,000
63 लाख रुपए मुआवजा बचा हुआ है। जगदीशपुर गांव की अगर बात करें तो 4 करोड़ मुआवजा आया था, 48 लाख रुपया भी बचा हुआ है। नसीरपुर बंगर की बात करें तो 1 करोड़ 2 लाख 442 रुपये आया था कुल मुआवजा, 59,752 रुपया भी पेंडिंग है। हरसाना खुर्द की बात करें तो 41,62,551 रुपये टोटल मुआवजा बनता था इनका, और 13,18,174 रुपया भी बकाया है। हरसाना कला की बात करें तो 58,83,247 रुपये कुल भूमि इतनी एक्वायर की गई थी इस गांव की, और अभी भी 24 लाख रुपये मुआवजा इनका पेंडिंग है जो किसानों को देना है। अब जो ये DRO महकमा है, इनके द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं किसानों को कि ये अपना मुआवजा उठा लें, अपने दस्तावेज जमा करा दें, ताकि जो करीब 10-11 करोड़ रुपए का मुआवजा जो सरकार के पास पेंडिंग है वो इनको दिया जा सके, और ये कभी भी अपने कागज जमा करा सकते हैं। सरकार ऑटोमेटिक तरीके से इनके खाते में पैसे डाल रही है। ये था जो रेलवे कॉरिडोर है, जो सोनीपत पलवल रेलवे कॉरिडोर है जो खरखोदा IMT से होके गुजरेगा, उसकी बात थी। तो लगभग 90% किसान मुआवजा उठा चुके हैं, 10% का बचता है जो बहुत जल्द ही सरकार बांटने वाली है। सरकार इसके लिए मुनादी भी कराएगी गांव में, ताकि वो किसान अपने मुआवजा ले सके। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। खरखोदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखोदा में IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93555-50009 पर संपर्क करें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।